तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से मैं अपने मेन आईडी में आपको गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ। मतलब कि बहुत दिनों बाद मैं अपने मेन आईडी में खेल रहा हूँ। एक दिन तो मैं खेला था, आप लोगों के साथ ही खेला था व्हाट्सअप चैनल पर टीम कोड देके, लेकिन वो स्क्वाड में खेला था। सोलो में मैं लगभग 3 मंथ हो गया, मैं सोलो में खेला ही नहीं हूँ अपने इस वाले आईडी में। तो आज आपको मैं एक सोलो का गेम दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया है और अभी तो सीज़न भी एंड होने वाला है। न्यू सीज़न 1 तारीख से आएगा, तो आने वाले न्यू सीज़न में कौन कौन रैंक पुश करने वाले हो जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आप रैंक पुश करोगे तो सोलो में करोगे, डुओ में करोगे या फिर स्क्वाड में करोगे, ये भी साथ ही साथ कमेंट करके बताना। बाकी मैच तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैच मेकिंग होने में लगता है टाइम लगेगा, तो आ जाओ अभी मैं आपको सीधा गेम के अंदर ही लेके चलता हूँ। ओके, तो चलो फाइनली यार इस टाइम पे देखोगे तो अपना मैच तो स्टार्ट हो चुका है। मैं पाया हुआ है नेक्स्टेरा मैप। भाई जब मैं ताइवान सर्वर में रैंक पुश कर रहा था ना, वहाँ पे ओनली बरमूडा आता है यार। मतलब कोई दूसरा मैप आता ही नहीं है, चाहे आप सभी मैप डाउनलोड करके खेलोगे फिर भी ओनली बरमूडा आता है यार। मतलब नेक्स्टेरा मैप भी नहीं आता है। तो पक चुका था भाई मैं बरमूडा खेल खेल के। मेरे को नेक्स्टेरा मैप भी अच्छा लगता है खेलना, पहले ख़राब लगता था लेकिन अब मज़ा आता है इसमें भी खेलने में। तो अभी देखोगे ना तो मैं फ़िलहाल इस टाइम पे उतर रहा हूँ ब्लू जोन में। वैसे मैं ब्लू जोन में ही ज़्यादातर उतरता हूँ, अभी सीज़न का जब स्टार्टिंग रहता है ना वैसे सिचुएशन में तो ब्लू जोन नहीं जाता हूँ। मतलब सप्लाई क्रेट लेके खेलता हूँ, उसमें उतरता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद मैं ब्लू जोन ही उतरता हूँ। बाकी इस टाइम पे यहाँ पे एक बंदा, इसको मैंने हेडशॉट मार तो दिया है, तुक्के तुक्के में लग गया है भाई बंदे को हेडशॉट, अच्छा हुआ लग गया, नहीं तो यहाँ पे मैं भी मर सकता था। क्योंकि जस्ट मेरे इधर सामने के साइड पे भी एक बंदा है, तो वो बंदा थर्ड पार्टी कर लेता। वो देखो सामने के साइड पर है, मेरे को वेस्ट भी नहीं मिल रहा है। वेस्ट छोड़ो भाई, शॉर्ट रेंज का गन ही नहीं है, 2 M14 है। बाकी इधर से ना निकलते गन वगैरह ढूंढते हैं भाई शॉर्ट रेंज का। वेस्ट तो बहुत ज़रूरी है यार, यहाँ पर भी वेस्ट नहीं मिला, एक लेवल का वेस्ट मिल रहा है यार उसमें से, बताओ भाई। यहाँ से ना इस कार उठा लेते हैं, बाकी इधर M10 भी मिल चुका है तो M10 ले लेते हैं। काम करते इस कार चलाते इस वाले गेम में, इस कार भी मस्त चलता है यार, मज़ा आता है इस कार चलाने में। तो चलो फाइनली इधर ना सामने के साइड पे मेरे को एक लड़की दिखी है भाई थर्ड पार्टी करके, इसको ना मैं पीछे से काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया और इसी के साथ मेरे 2 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मेरे को वेस्ट चाहिए यार, हेलमेट वेस्ट तो मेरे पास आई नहीं भाई, तो सबसे पहले तो मेरे को एक वेस्ट चाहिए, नहीं तो फिर अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है भाई। मतलब इतना गंदा मारते लोग जो है, वो वेस्ट रहते हुए भी बहुत तगड़ा मारते हैं, जब वेस्ट नहीं रहेगा तब तो फिर पूछो ही मत क्या हाल होगा। तो यहाँ पर एक और चिप दिख रहा है मेरे को, इसको उठा लेते हैं, इसको इस कार में लगा लेते हैं भाई। यहाँ पे ना मेरे को फुटस्टेप आ रहा है भाई, कोई तो बंदा है, ऊपर से भी तो नहीं आ रहा है बंदा यार, कहाँ है भाई, इधर ही है यार बंदा, इधर ऊपर चढ़ते हैं शायद ना, वो इधर के साइड पे है। फुटस्टेप तो आ रहा है भाई मेरे को, लेकिन बंदा नहीं दिख रहा है भाई, इधर ही है लग रहा है। ओके वो रहा, लड़की है भाई ये तो। ओके चलो फाइनली, इसको मेरा लोकेशन ही नहीं पता था भाई इस वाले लड़की को, तो मैंने काफ़ी इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। और ये वही लड़की है जिसको मैंने अभी अभी थर्ड पार्टी करके पीछे से मारा था। तो चलो इसी के साथ मेरे 3 किल हो चुके हैं और मेरे को वेस्ट अभी भी चाहिए यार, वेस्ट ढूंढते हैं। तो इस टाइम पे मेरे को 3 लेवल का वेस्ट तो मिला है लूट बॉक्स से, लेकिन वो भी डैमेज है भाई, और हेलमेट तो अभी तक मिला ही नहीं है यार, तो ढूंढते हैं भाई। अरे यार इधर तो बंदा बैठा है भाई, चलो डैमेज तो दिया बंदे को थोड़ा बहुत, काम करते इस पर ना रस ही करते हैं भाई। ये तो वो कॉन्ग बन के निकल गया यार इधर से, डैमेज है लेकिन अभी भी वो रस ही करते हैं। अरे यार सीधे सीधे रस करके डैमेज खा गया है बंदा, मर नहीं रहा यार। ओके चलो फाइनली जैसे तैसे कर किस वाले बंदे को मैंने फिनिश तो कर दिया है, और इसी के साथ मेरे टोटल 4 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना अभी थोड़ा बहुत और लूट वगैरह करते हैं, मेरे को अभी भी हेलमेट नहीं मिला है भाई। चलो इसके पास से 2 लेवल के हेलमेट मिल चुका है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास ना 600 टोकन हो चुका है, एक काम करता हूँ इधर ना 200 टोकन यहाँ से उठाता हूँ और एक चाबी लेके नीचे वाला वो लूट हाउस खोलूँगा, तो 4 को वेस्ट भी मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। दिवाली फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है मेगा ऑफर्स का टाइम। स्मार्टफोन से लेकर सुपर बाइक सब पे बम्पर डील्स मिलेगी, पर ऑफर कितना भी बड़ा हो पैसा तो आपका खर्चा होगा ही, बट नॉट विन मैच पे आपको ऑफर भी मिलेगा, और उस ऑफर से अपनी शॉपिंग के खर्चे के लिए रियल कैश भी। फ्रॉम एविएटर टू कार्ड गेम्स, हर गेम पर डेली 25 लाख तक की विनिंग मिलती है। साथ ही ऑनगोइंग क्रिकेट और अदर स्पोर्ट पे आप इस दिवाली 10 करोड़ तक का मेगा जैकपॉट जीत सकते हो। इस दिवाली यहाँ साइन अप पे मिलेगा 100
100% का वेलकम बोनस अप टू 25,000 और साथ ही डेली डिपॉजिट पे 50,00,000 तक का कैशबैक। रियल विनिंग के साथ साथ आईफोन, एप्पल वॉच, गेमिंग डिवाइस जैसे बम्पर गिफ्ट्स रिवार्ड भी है। और हाँ, विन मैच पे आप कितना भी खेलो, कितना भी जीतो, विनिंग जस्ट 60 सेकंड में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। प्लस साइट 100% सेफ एंड सिक्योर है, जिसे साउथ सुपरस्टार राणा दग्गुबती इंडोर्स करते हैं। बाकी इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस दिवाली जम के शॉपिंग करो और खर्चे की टेंशन विन मैच पे छोड़ दो। तो चलो यार, इस टाइम पे मैं लूट हाउस तो लूट चुका हूँ, 4 लेवल का मेरे को वेस्ट भी मिल चुका है। इधर ना ये वाला स्कैनर तोड़ते हैं, मशरूम तोड़ते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, स्कैन होता है ना, तो मैं इसको स्कैनर ही बोलता हूँ। बाकी इधर के साइड पे ना एक बंदा था भाई, वो मेरे को ना काफी देर से मार रहा था यार, मतलब मेरा पूरा का पूरा वॉल उसने वेस्ट करा दिया, एक ही ग्लू वाला, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। बाकी इधर से निकलते हैं भाई, मतलब कहीं और चलते हैं। पीछे से बंदा मार रहा है भाई, ये पसीना पोंछने के चक्कर में ना, क्योंकि मेरे हाथ में ना स्वेटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है भाई, मैं फिंगर स्लीव्स भी लगा के खेलता हूँ, लेकिन जो बाकी का एरिया है उधर आ जाता है, तो फ़ोन जो है वो ग्रिप नहीं बनता, फिसलता वगैरह है, तो उसको मैं थोड़ा पोंछते रहता हूँ टाइम टाइम पे। और इस टाइम पे मैं यही काम कर रहा था भाई, और आपको मैं सच बात बताऊँ ना, तो ये काम करते करते मैं बहुत बार मरा भी हूँ। मतलब ऐसे आप फ़ोन को इधर साइड में रख के मैं अब कपड़े से हाथ को पोंछते रहता हूँ, सामने से कोई कहीं से और बंदा मार दे ऐसे दौड़ते रहता है, तो कई बार इसके चक्कर में मैं मरा भी हूँ भाई। तो चलो ये सब छोड़ते हैं, सामने के साइड पे एक बंदा है जिसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है भाई, क्योंकि मेरा टाइम पे वाल ही नहीं लगा। बाकी ना ये बंदा भाई गाड़ी लेके भाग रहा है, ये बंदा मेरे पे रस करने आ रहा है क्या, टुक टुक लेके। अरे भाई तगड़ा बंदा है यार ये तो, कसम से भाई बंदे ने 8-9 HP का मेरे को छोड़ा था भाई, क्या रेड नंबर मारा था उसने। देखो मेरा पूरा का पूरा हेलमेट ब्लैक हो चुका है भाई, और इस टाइम पे मैं ना लुकेटा को मिस कर रहा था यार, लुकेटा मैं लगा के नहीं खेल रहा हूँ, उसके जगह के पे ना मैं कैरोस लगाया हूँ। वैसे इधर के साइड पे ना एक और बंदा आ चुका है गाड़ी लेके, ये मॉन्स्टर ट्रक से घूम रहा है बंदा। एक काम करती इसका गाड़ी तोड़ दूँ क्या, इधर क्या गन दिख रहा है भाई, 4 का वेस्ट है क्या। अरे यार ये तो जो भी है, अरे भाई ये बंदा तो गाड़ी से उतर चुका है भाई, इसका ना गाड़ी तोड़ देता हूँ मैं, वापस से बैठ गया है भाई, मानेगा नहीं, गाड़ी चलाना है मतलब चलाना है। चलो इसका गाड़ी तो मैंने तोड़ दिया है, डैमेज भी दिया यार थोड़ा बहुत। एक काम करते यार, एमओ भर लेते हैं भाई, झोले में अपने थोड़ा कम आ गया, मतलब कम से कम मेरे पास 250 से ऊपर जब तक नहीं रहता है ना, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलता है, मतलब लूट वगैरह करता रहता हूँ ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर मैं फाइट लॉन्ग रेंज में ही लेता हूँ ना, तो एमओ वगैरह रहना चाहिए भर भर के। तो चलो ये बंदा भाई स्काइलर मार दिया था, टाइम पे मैं इधर आ गया, नहीं तो वो मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया रहता। वैसे ये बंदा रस करने वाला है क्या, सच में रस कर रहा है भाई। चलो डैमेज तो दिया वो बंदे को, आई होप उसका वेस्ट टूट चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्क तो आया था भाई, ऐसा ही मार्क आता है ना, वेस्ट टूटता है तो जब मेरे ख्याल से ऐसा ही तो आता है भाई। एक और बार मार्क आया है भाई, एक और बार मार का है, ये कैसे, ये ग्लिच वगैरह है क्या, वेस्ट कैसे टूटता है फिर, पता कैसे चलता है। मेरे को लगा जब वो ऐसे टूटने वाला जो हार्ट टाइप का आता है, मतलब पर्पल कलर या फिर वाइट कलर टाइप का ऐसा कुछ ना, वो जब टूटता है तो मेरे को लगता है वेस्ट टूट गया सामने वाले का, बट ये तो जितना बार मारो उतना बार टूटता है भाई, तो ये क्या सीन है मेरे को पता नहीं है भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप में से किसी को पता होगा तो कि वेस्ट का टूटता है तो हमको पता कैसे चलता है, क्योंकि 3 बार वो टूटने वाला मार्क आया, मतलब उसका वेस्ट 3 बार तो टूट नहीं सकता भाई, मतलब कि गायब नहीं हो सकता। बाकी चलो यहाँ पे एक बंदा दिखा, इसको तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया, और इसी के साथ मेरे टोटल 8 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे को लगा कोई बंदा है भाई, मतलब उधर फायर आया तो ओके। चलो इधर एक बंदा आ गया था, प्रो सराबी नाम है भाई बंदे का, तो क्या नाम रखा है यार बंदे ने। चलो इसको तो काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया, और इसी के साथ मेरे टोटल 9 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। बंदे तो भाई अलाइव है काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी मैं मास्टर में हूँ, मतलब मास्टर लॉबी पे खेल रहा हूँ। अगर वही मैं ग्रैंड मास्टर में रहता हूँ ना, तो इतना देर में तो कब का, मतलब 2-4 बंदे ही जिंदा रहते हैं इतने बड़े जोन में। कभी कभी आता है हार्ड लॉबी आता है, जैसा कि अभी आया है, या फिर इससे भी ज़्यादा हार्ड लॉबी आता है, लेकिन ज़्यादातर गेम में तो नॉर्मल लॉबी ही आता है, नॉर्मल या फिर नूब लॉबी बोल लो, जो भी बोलो, मतलब इतने बड़े जोन में 2-4 बंदे ही अलाइव रहते हैं, या फिर कभी कभी बुइया भी हो जाता है, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी इस टाइम पर मेरे 9 किल तो हो चुके हैं, वैसे 7 बंदे अभी भी अलाइव है। मेरे पास ना स्कैनर नहीं था, तो यहाँ पे मैं ना रिफ्रेश कर रहा था कि स्कैनर निकल जाए, और स्कैनर छोड़ के सभी बंदों का मैं लोकेशन पता कर लूँ, बट यहाँ से तो मेरे को स्कैनर मिला ही नहीं भाई। तो एक काम करते इधर ही चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक मशरूम भी तो है भाई लोकेशन वाला, इसको तोड़ते हैं।
सारे के सारे बंदे उधर ही साइड है मेरे ख्याल से, चार तो बंदे उधर के साइड पे है, मतलब चार या फिर पांच बंदे काम करते हैं उधर ही जोन है, तो ये छत के ऊपर चलते हैं लॉन्च पैड लगा के। गलत सीन हो गया है भाई, मेरे को नीचे नहीं आना था यार, इधर एक लड़की दिखी, इसको मारते हैं। चलो फाइनली थॉर नाम है भाई इसका, तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। इधर एक और बंदा मेरे को दिखा तो था राइट साइड में, अरे भाई अच्छा हुआ टाइम पे मैंने वाल लगा लिया, तुक्के तुक्के में ही लगाया, नहीं तो वो बंदा मेरे को डैमेज दे दिया रहता। ओके तो चलो फाइनली यार इस वाले बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया भाई। अभी के टाइम पे ना हर एक बंदा MP40 चला आ रहा है भाई, पोकर MP40। एक बंदा ना इधर मेरे को दिख चुका है, बालकनी में है ऊपर के साइड पे, तो इसको तो मैं पीक देने वाला हूँ नहीं, नहीं तो पता चल रहा है सीधा मेरा खोपड़ी उड़ा देगा बंदा। इसको ना मैं ये छोटू लॉन्चर मारने का सोच रहा हूँ, बट वो बंदा भी लोकेशन पता नहीं है किधर चला गया। इधर तो आई थिंक मेरे ख्याल से जोन भी नहीं है, थोड़ा सा इधर कोने में। तो एक काम करते हैं, इधर थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इधर ना ये वाला एमो उठा लेते हैं थोड़ा सा। ये बंदा नीचे कूद चुका है, इधर जोन नहीं है भाई, इधर मेरे को लगा थोड़ा सा तो है। चलो इधर आ चुका, थोड़ा सा था भाई जोन। चलो होल्ड करते हैं भाई, पांच बंदे अलाइव है यार, मतलब इतना छोटा सा जोन हो चुका है मेरे को छोड़ के, अभी भी चार बंदे बचे। एक काम करते इसको मैं थोड़ा सा डराता हूँ भाई, मेरे पास नेट वगैरह है। वैसे अभी ना मैं होल्ड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे को बुइया लेना है तो मेरे को होल्ड तो करना पड़ेगा भाई, इस टाइम पे वेट करना पड़ेगा। इधर से बंदा मार रहा है भाई, डैमेज खा गया यार इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा। मेडिकेट लगाते हैं और जोन भी चलने वाला आई थिंक मेरे ख्याल से। इधर से ना इधर अंदर के साइड से मेरे को जाना पड़ेगा। ये बंदा भी MP40 चला रहा है भाई। ओके चलो फाइनली इस वाले बंदे को तो मैंने जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया भाई। बंदे ने कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया यार, लिटरली भाई। अभी ना मैं वो लुकेटा लगा के खेलने वाला हूँ यार, लुकेटा को ना मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था इस टाइम पे। अगर लुकेटा रहता तो इतना ज़्यादा मैं डैमेज नहीं हो पाता, मतलब कि सामने वाला बंदा मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर पाता, क्योंकि 50 HP तो उसका ही मिलता है। बाकी मेरे 12 किल हो चुके हैं भाई, यहाँ पे एक बंदा है। एक काम करता हूँ, नेड तो वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, नेड ट्राई करते हैं। अरे भाई ये बंदा तो नेट से ही फिनिश हो गया। अभी ना एक लास्ट का बस बंदा और बचा जो कि सामने के साइड भाई तत्सुया लगा कि ये बंदे इधर आ गया है भाई, तो इस पे भी ना हम लोग नेड ही मारते हैं। मेरे पास 6 नेड है अभी भी, तो इस वाले बंदे को मैं नेड से मार तो सकता हूँ भाई। 57 का ही डैमेज गया है भाई, इसमें 73 का डैमेज गया है। मिनी लॉन्चर मारते हैं भाई, ये बंदा भी नेड कर रहा है। अरे यार इस टाइम पर मैं गलती तो किया यार थोड़ा सा, बंदा MP5 चला रहा है भाई। अरे भाई ये बंदा तो दिमित्री वाला बंदा है भाई, दिमित्री लगा के फाइट कर रहे हैं, दिमाग देख रहे हो बंदे का भाई, उसको HP मिलता रहता है भाई दिमित्री ऑन करने से, नहीं तो ये बंदा मेरे ख्याल से मर जाया रहता है। इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी बंदा नहीं मरा भाई, मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम कर दे रहा है। हेडशॉट तो मार रहा है भाई MP5 से, बंदा रिस्क नहीं लेंगे, सीधा शॉर्ट रेंज में ना इसको मैं मारने वाला हूँ। चलो फाइनली भाई इस वाले बंदे को मैंने जैसे तैसे करके फिनिश किया भाई, मतलब मस्त बंदा था यार, जो भी बोलो अच्छा खेल रहा था भाई। लास्ट में एक हेडशॉट लग गया बंदे को, हेडशॉट से किल आ गया, मतलब हेडशॉट लग गया तो बंदा मर गया, नहीं तो वो भी मेरे को गंदा हेड मार रहा था भाई, मतलब कि पूरा का पूरा हेलमेट डैमेज कर दे रहा था। और इसमें मेरे को 33 का प्लस मिला, 14 किल किया था भाई इस वाले गेम में मैंने। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।